भाई ये मिशो से मिला मुझे मतलब ये पकड़ के मेरा प्रिंस शामिंग मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं आगे आगे जाऊंगी इसके अंदर तो भाई रुमाल भी नहीं आ सकता मुझे नहीं पता मिशो ने कौन सा ड्रेस इसमें भेजा है ओ भाई ये क्या यार भाई इसको पहने कैसे यही समझ नहीं आ रहा है मुझे oh no! एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं और मैं लेके आ गई वो ढेर सारा ड्रेसेस जो कि है बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा सुंदर गॉर्जियस क्या बोलूँ? बिल्कुल बेहतरीन मीशो से और जिसका स्टार्टिंग प्राइस है ओनली टू थर्टी फाइव रुपीज और उसी के साथ दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आएगा और देख ही सकते हो ढेर सारा ड्रेसेस है जो कि एक से बढ़िया एक तो चलो देखते हैं कि सच में कैसा ये ड्रेसेस आया है जैसे पिक्चर में था वैसा ही या फिर नहीं और जितने सारे ड्रेसेस मैंने मीशो से परचेस किया है सबका प्राइस है सिक्स हंड्रेड रुपीज के अंदर मतलब छह सौ रुपए के अंदर मतलब वीडियो कितना मस्त होने वाला है वो तो आप लोगों को सुन के ही समझ आ जाएगा तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और सारा पार्सल ओपन करते हैं और आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं तो so, सबसे पहले ओपन करूंगी मीशो का नया पैकेजिंग देख सकते हो बिल्कुल एक साइड में ट्रांसपेरेंट है जैसे कि फ्लिपकार्ट में मिल रहा था तो देखते हैं इसमें क्या आया है साइज मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था साइज बिल्कुल स्मॉल ही आया है जो कि बहुत बढ़िया बात है देख सकते हो तो चलो ओपन करते हैं सो so, ये तो है बिल्कुल लॉन्ग बॉडी बॉडीकॉन एक ड्रेस देख सकते हो इसका शेप देखो कितना ज्यादा परफेक्ट है इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसका मटेरियल उसके साथ मुझे लग रहा है कि स्ट्रेचेबल भी है चलो देखते हैं हां भाई इसका मटेरियल देख सकते हो स्ट्रेचेबल भी है स्लीव्स मिल जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और नरम नेट के मटेरियल का और देख सकते हो ऐसे बॉर्डर मिल जा रहा है और उसी के साथ फ्रंट पोर्शन में देख सकते हो बहुत प्यारा काम मिल जा रहा है स्लीव्स के यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल शीक्वेन से काम है और ये जो जगह है ना ये बिल्कुल वेलवेट जैसा है वेलवेट के ऊपर जैसे शीक्वेन का काम मिल जा रहा है कमर में भी देख सकते हो सेम काम मिल जा रहा है और देख सकते हो ऐसे यहाँ से जिप है पीछे की तरफ से और गले का ये वाला डिजाइन देख रहे हो हाँ हाँ हा, तो काफी ज्यादा सेक्सी होने वाला है ये ड्रेस तो और नीचे इसके साथ ही मिल जा रहा है काफी प्यारा सा एक कट देख सकते हो जो कि बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है बाकी इस ड्रेस के नीचे कोई भी मेटेरियल नहीं है बट मेटेरियल काफी ज्यादा सॉलिड भी है और इसका मेटेरियल है लिकड़ा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बेहतरीन लग रहा है तो चलो इसको पहन के आती हूँ पहला प्रोडक्ट है पहला परचेस है तो अच्छे से पहन के आती हूँ और फिर मैं बाकी सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो so, पहन लिया है और देख सकते हो ये बहुत ज्यादा डिसेंट लग रहा है जितना मैंने सोचा था उतना तो बिल्कुल नहीं है इसका जितना कट मिल जा रहा है ना गले में मतलब नेक में बहुत ही प्यारा लग रहा है बिल्कुल डिसेंट सा एक बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर ये है स्लीव्स बहुत कंफर्टेबल है देख सकते हो तो, स्लीव्स बिल्कुल फुल नहीं आ रहा है बट ये थ्री क्वार्टर भी नहीं है काफ़ी प्यारा लेंथ मिल जा रहा है स्लीव्स का और ये नेक डिज़ाइन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा स्पेशल ये वाला जो बॉर्डर है ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है एक चीज़ मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आया जो कि है इसका जो देख सकते हो कट कट पीछे की तरह है मतलब प्रॉपर पीछे भी नहीं है सामने भी नहीं है साइड में भी नहीं है ये हल्का पीछे जाके ऐसे आ रहा है और ऐसे मैं कर रही हूँ ना ये फिर भी पीछे की तरह ही चला जा रहा है मतलब ये ऐसे नहीं आ रहा है ये इधर ही चला जा रहा है मतलब कट एक पैर के पीछे है तो ऐसा वाला कट मैं पहली बार देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा कैसा लग रहा है बाकी बैक डिज़ाइन ऐसा है और इसका प्राइस है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू रुपीज तो फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू रुपीज में आप लोगों को ये आउटफिट कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ तो so नेक्स्ट ये वाला मोटा सा पार्सल ओपन करते हैं भाई इसमें तो दो दो आया है भाई चलो पहले ये ओपन करते हैं मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बिल्कुल बेबी स्किन की तरह इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका नेट का मटेरियल ना उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बट देख सकते हो ऐसे बॉर्डर मिल जा रहा है जिसमें बिल्कुल शीकवेन का काम है बहुत प्यारा है बॉर्डर बिल्कुल वेलवेट का है बट ये वाला मेटेरियल इतना प्यारा सॉफ्ट और देखो स्ट्रेचेबल कितना है और इसके नीचे देख सकते हो बिल्कुल कवर्ड ऐसे सिक्वेंस से काम मिल जा रहा है जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है और इसका भी मेटेरियल ना बिल्कुल काइंड ऑफ वेलवेट जैसा ही है और दोनों साइड बोथ साइड देख सकते हो ऐसे काम मिल जा रहा है फ्रंट पोर्सन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है देख सकते हो ऐसे क्रीस क्रॉस टाइप का आया है जो कि बेहतरीन लगेगा बाकी स्लीव्स तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा बट मैंने पहले ही बोला कि नेट का क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्यों सॉफ्ट नहीं है नॉर्मल नेट है और साइज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आया जबकि मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर किया था मुझे इसका क्वालिटी मटेरियल बोले बहुत अच्छा लग रहा है और इसके नीचे ना देख सकते हो बिल्कुल एक इनर मेटेरियल एडेड है जिससे आपको शीख नहीं चुभेगा बाकी तो पहनने के बाद समझ आएगा तो चलो पहन के आते हैं सो so, ये एक ऐसा ड्रेस है जिसका स्लीवस छोड़ के मुझे इस ड्रेस का हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का लगा क्योंकि इसका स्लीव्स का जो नेट है ये बहुत ही ज़्यादा खुरखुर खुरखुरा -खुड़ -खुड़ है मतलब बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है बाकी पूरा आउटफिट मतलब जो ये सिक्वेन है ये भी नहीं चुभ रहा है मतलब इतना कम्फर्टेबल लग रहा है ये और ऊपर का पोर्शन तो मैं क्या बोलूँ बिल्कुल मक्खन है भाई बिल्कुल मक्खन इतना कम्फर्टेबल ड्रेस मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद पहन रही हूँ काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझको बैक डिज़ाइन देख लो बाकी ये नेट क्यों दिया भाई मुझे नहीं पता ये बहुत ही कुट 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 कर रहा है मेरे हाथों में तो ये थोड़ा सा दिक्कत है बाकी प्राइस बोलो सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन है क्योंकि इसका प्राइस है 453 हंड्रेड फिटिंग बिल्कुल टेन ऑन टेन है बाकी आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ सो नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ ये वाला भाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका बहुत ही प्यारा है बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है और देख सकते हो इसमें मिल जा रहा है बिल्कुल प्लास्टिक ब्राके स्ट्रैप जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में और इसके फ्रंट पोर्शन में कितना क्लासीिक डिज़ाइन मिल जा रहा है देख रहे हो ऐसे टॉप भी होता है ना बहुत अच्छा लगता है देखने में इसके नीचे भी कोई भी इनर मेटेरियल नहीं है बट इसका मेटेरियल काफ़ी ज़्यादा थिक है देख सकते हो साइज़ मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था और साइज़ बिल्कुल स्मॉल ही आया है जो कि बहुत बेहतरीन बात है और उसी के साथ इसका मेटेरियल इतना सॉफ्ट है और देखो कितना स्ट्रेचेबल है मतलब आप आराम से फिट तो आपको आ ही जाएगा देख सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है और बहुत ज्यादा लॉन्ग है सामने से मिल जा रहा है एक बेहतरीन सा कट मुझे इसके कट से काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन लग रहा है देखते हैं बाकी पहनने के बाद और इसका मेटेरियल है लिकरा तो काफी प्यारा लगा मुझे तो चलो पहन के आते हैं so, सो पहन के आ गई हूँ ये ड्रेस इतना ज्यादा कम्फी है मैं क्या बोलूँ इतना प्यारा फिट है इसका मतलब देख सकते हो तो बिल्कुल प्रॉपर फिट आया है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई मतलब इतना प्यारा है इसका प्लास्टिक ब्रा का जो स्ट्रैप है ये भी बहुत सुंदर है और इसका लेंथ देख सकते हो तो बिल्कुल फुल लेंथ है ऊपर से कितना प्यारा है कट मिल जा रहा है जो कि बिल्कुल सेक्सी लुक दे रहा है मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा बिल्कुल टेन ऑन टेन है इसको डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो इसका प्राइस है फोर फोर्टी फोर रुपीज़ सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो है इसका कंफर्ट और इसका फिट जो कि बिल्कुल दस में से दस है भाई बाकी आप बताओ आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा तो so नेक्स्ट फिर से वही वाला पार्सल ओपन कर जिसमें दो आया था तो चलो देखते इसमें क्या है इसका साइज़ पहले ही बोल दे रही हूँ बिल्कुल स्मॉल ऑर्डर किया था स्मॉल ही आया है चलो बाकी ओपन करते हैं काफी यूनिक लग रहा है मुझको ये वाओ इसका देख सकते हो तो मतलब स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है मतलब इधर से बिल्कुल कट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर और हॉट है और देख सकते हो तो इसका फ्रंट पोर्शन में ना ये वाला वेलवेट का ही मटेरियल लग रहा है मुझे जिसके ऊपर सिकवेंस से बिल्कुल कवर्ड काम मिल जा रहा है दोनों साइड में देख सकते हो सीक्वेंस से तो काम है और बहुत ही प्यारा देख सकते हो तो नीचे का पोर्शन मिल जा रहा है जिसमें कोई भी काम नहीं है बट मेटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसके साथ स्ट्रेचेबल भी है और देख सकते हो इसके नीचे भी मिल जा रहा है आपको ऐसे बेहतरीन कट देख सकते हो जिसको आप लोग अगर आपको ज़्यादा मतलब कट अच्छा नहीं लगता तो आप पिन भी कर सकते हो बहुत प्यारा लगेगा और उसी के साथ देख सकते हो इसका फ्रंट पोर्शन का डिज़ाइन यहाँ पे एक ऐसे देखो वी शेप का ऐसे मिल जा रहा है एक जो कि बहुत प्यारा लग रहा है और साइज़ तो पहले ही बताया बाकी चलो पहन के आते हैं और देखते कि फिट वगैरह कैसे आ रहा है और कैसा लुक मिल रहा है क्या ये हम लोग पहन के बाहर जा सकते हैं या फिर नहीं चौपै तो so, देख सकते हो पहलिया मैंने और ये ड्रेस भाई चुभ रहा है जगह जगह पे इसका सिक्वेंस चुभ रहा है जैसे कि कमर में चुभ रहा है मेरा और यहाँ पे चुभ रहा है ऐसे इस जगह पे चुभ रहा है भाई और इस जगह पे चुभ रहा है बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा है अंदर से मतलब पहन के रह नहीं पा रही हूँ बाकी ये ड्रेस काफ़ी प्यारा लग रहा है देख सकते हो इसका डिज़ाइन जो है स्लीव्स का मुझे बहुत ही यूनिक लगा बहुत बेहतरीन लगा इसका जो देख सकते हो ऐसे वाला डिज़ाइन है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है देख लो और बाकी इसका सिकवेंस भी बहुत प्यारा लग रहा है बट रहा है और नीचे का डिज़ाइन देख सकते हो तो ऐसे है जिससे आप पैर भी मतलब टांग भी टांगों का भी शो ऑफ कर सकते हो और उसी के साथ ये ड्रेस भी बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने में कंफर्टेबल काफ़ी है नीचे का पोर्शन बट मठाओं हाँ ऊपर का पोर्शन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है फ़ोर सेवेंटी टू है इसका प्राइस तो बताओ फोर सेवेंटी टू रुपीज़ में क्या आप लोग ये लोगे या नहीं तो so नेक्स्ट ये ये वाला ओपन कर रहा है ये देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा है और इसका डिज़ाइन भी बहुत ज्यादा यूनिक है देख सकते हो फ्रंट पोर्शन में मिल जा रहे है ऐसे प्लीट्स और यहाँ पे मिल जा रहे है देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा एक नेट और इसका स्लीव्स का डिज़ाइन जब पहनूंगी आपको समझ आएगा बहुत बेहतरीन है इसका मेटेरियल भी लिख रहा है बहुत प्यारा मेटेरियल है और देख सकते हो इसका लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा काइंडा बॉडी कॉन ड्रेस है पहनने के बाद आपको फिट वगैरह पता चलेगा इसके नीचे भी कोई भी मेटेरियल नहीं है बट इसका मेटेरियल भी काफ़ी थिक है और इसका साइज़ जो आया है स्मॉल आया है देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे देखने में इसको पहन के आती हूँ फिर ही बाकी डिटेल्स बताती हूँ सर so, कैसे लग रही है पहनने के बाद क्योंकि पहनने से पहले का स्टोरी बताऊँगी तो आप लोग की आंखों से आंसू आ जाएगा क्योंकि ये मेरे मुंडी में आ नहीं रहा था अभी मुझे नहीं पता ये निकलेगा या नहीं मतलब मेरा तो मोह मोहे होगा गया टोटल और उसी के साथ इसका जो मतलब मतलब इतना इतना फिटिंग है है फिटेड भाई हवा तक पास करने का जगह नहीं है मेरे बॉडी में और गला लग रहा है कि कोई दबा देगा और ये वाला ड्रेस मतलब ऐसे पहन के अगर खड़ी हुई एक जगह पर स्टेचू ऑफ द लिबर्टी की तरह तो ठीक है भाई मतलब फिट अच्छा है कंफर्टेबल है चुभन नहीं है कुछ इरीटेशन नहीं है सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है बट ये झोला किसने दिया है मुझे नहीं पता क्योंकि डिजाइन जो किया था वो वाला डिजाइन है यहाँ पे झोला जैसा मतलब फील आ रहा है मुझको कैसे फुल 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 गया है फुल रखा है जो मछली नहीं होता तो टच करने पे फुल जाता है उस टाइप का लग रहा है बाकी तो बिल्कुल इतना फिट हुआ है इतना फिट हुआ है कि सांस लेने के मेरा मेरा बॉडी सांस नहीं ले पाएगा भाई बाकी डिज़ाइन वगैरह तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्लीव्स का जो यूनिक पैटर्न है ये भी अच्छा लगा ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और प्राइस है इसका फोर हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ तो आप ही बताओ आप लोगों को कैसा लगा बट मेरे अंदर से ये कपड़ा निकलेगा या नहीं मुझे नहीं पता प्रे फॉर मी सो नेक्स्ट ये वाला पार्सल ओपन करते हैं देखते क्या आया है पेपर वाओ वेलवेट कितना प्यारा लगता है मुझको कितना बेहतरीन है भाई कितना क्लासी है बिल्कुल परफेक्ट है वैलेंटाइंस डे के लिए है ना कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है जबकि हम तो बिल्कुल वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने वाले हम लोग मनाएंगे सरस्वती पूजो कौन कौन मेरी तरह हो कमेंट में बताओ और ये ड्रेस भाई बेहतरीन है सच में बोल रहा हूँ बिल्कुल वेलवेट है और देख सकते हो कितना प्यारा इसका फिनिशिंग लग रहा है इसका स्लीव्स देखो एक बार प्लीट करके कितना प्यारा पफ स्लीव टाइप का बनाया है ना जो कि बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है और उसी के साथ इसका जो लुक आया है दोनों साइड में देख सकते हो ऐसे इलास्टिक टाइप का ऐसे ऐड किया गया है जिससे ना एक प्लीट टाइप का एक इफेक्ट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है इसका लेंथ भी काफ़ी सही आएगा भाई तो मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रही मुझे लग रहा है कब मैं पहनूँगी उससे पहले मैं फ्रॉन्ट डिज़ाइन बता देती हूँ कितना प्यारा दोनों साइड से देख सकते तो आया है एक बहुत ही बेहतरीन सा वी शेप मिल जा रहा है ऐसा ड्रेस एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए साइज़ मैंने ऑर्डर किया था स्मॉल और देख सकते हो बिल्कुल स्मॉल साइज में ही आया है ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई बाकी चलो पहन के आती हूँ उसके बाद तो पूरा डिटेल शेयर करूँ तो so, ये ड्रेस जितना ज़्यादा प्यारा दिखने में है उतना ही ज़्यादा कंफी भी है देख सकते हो पहन लिया है लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है स्पेशली इसका स्लीव बिल्कुल ना रेट्रो वाला वाइव दे रहा है पहले के ज़माने के प्रिंसेस ऐसे टाइप का ड्रेस नहीं पहनते थे ऐसा स्लीव होता था एक्चुअली प्रिंस भी पहनते थे तो उस टाइप का बिल्कुल आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका नेक का डिज़ाइन भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा कूल है बहुत ज़्यादा प्रिटी है और उसी के साथ बैक में कोई ऐसे खास डिज़ाइन है नहीं और इसका लेंथ देख सकते हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्रेस ये नहीं है बिल्कुल शॉर्ट बॉडी कौन ड्रेस है जिससे आपका फिगर बिल्कुल माह दिखेगा मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा और इसका प्राइस भी बहुत सही है इसका प्राइस है और मुझे लग रहा है फोर सेवेंटी टू रुपीज में ये अब तक का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है तो नेक्स्ट ओपन कर रही ये वाला पार्सल बहुत बेहतरीन है ये तो भाई ये बहुत ज्यादा क्लासी है देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में बट इसका मुझे लग रहा है एक प्रॉब्लम होने वाला है जो कि इसका स्लीव्स एडजस्टेबल नहीं है तो मुझे लग रहा है काफी लॉन्ग आएगा मेरे को स्लीव्स काफी लंबा लग रहा है मुझको बाकी ये जो है भाई कितना बेहतरीन लग रहा है देखो कितना सुंदर लुक दे रहा है मतलब इतना सुंदर मैं बता नहीं सकती ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ब्लैक कलर का उसके ऊपर से इस टाइप का मिल रहा है आपको और नीचे के पोर्शन में भी देख सकते हो मिल रहा है और ये काफी ट्रेंडिंग भी चल रहा है अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका मेटेरियल भी काफी सही है काफी ज्यादा सॉफ्ट है और कोई भी इनर मेटेरियल इसमें एडेड नहीं है जबकि इसका मेटेरियल देख सकते हो बहुत ही ज्यादा थिक है बट एक ही दिक्कत मुझे लग स्लीप्स का होगा, बाकी साइज़ साइज़ देखो देखो पे जो लिखा हुआ होता है ना वो किसी ने काट दिया पूरा क्लियरली समझ आ रहा है किसी ने काट दिया है तो इसमें साइज तो लिखा हुआ नहीं है बाकी मुझे तो काफी सही लगा भाई और इसमें तो सा दाग भी लगा हुआ है शायद किसी ने लिया होगा मुझे नहीं पता इसीलिए शायद यहाँ पे साइज नहीं है पता नहीं जो भी हो चलो पहन के आते और बाकी डिजेस उसके बाद तो so, कैसी लग रही हो पहले बताओ बट ये मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मैंने बहुत ही उठा उठा के इसको पहना है जैसे कि मैंने बोला था स्लीव्स का इशू तो हाँ डेफिनेटली स्लीव्स का इशू है एडजस्टेबल स्लीव होता तो ठीक था यह एडजस्टेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा इशू है ब्रा दिखने का चांस बिल्कुल भर भर के है भाई जैसा भी आपका ब्रा हो बहुत कम्फर्टेबल नहीं है ये और बैक साइड का डिज़ाइन देख सकते हो कुछ भी नहीं है बैक साइड में कोई डिज़ाइन ही नहीं है बिल्कुल प्लेन सपाट है और उसी के साथ देख सकते हो इसका जो और उसी के साथ देख सकते हो इसका फ्रंट पोर्शन का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है ये जो झूढ़ी झूठी झूड़ी झूड़ी है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है मुझको आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना गला ही बैठ गया आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा बट ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है मतलब बिल्कुल बहुत सुंदर बेहतरीन कुछ है आपको लेना चाहिए ऐसे नहीं बोलूँगी और इसको करने से ऐसे हो सकता है देखो मैं थोड़ा सा जंगली भालू जैसा लग रही हूँ मैं और इसका प्राइस है फाइव हंड्रेड सेवेंटी नाइन रुपीज जो कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग सो नेक्स्ट मैं सबसे ज्यादा यूनिक पार्सल ओपन कर रही हूँ जिसके अंदर तो भाई रुमाल भी नहीं आ सकता मुझे नहीं पता मीशो ने कौन सा ड्रेस इसमें भेजा है तो चलो देखते इसमें क्या आया है हो 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 आया है मेरा शी ड्रेस जो कि बहुत प्यारा लग रहा है एक्चुअल में बहुत प्यारा है भाई इसके नीचे ऑब्वियसली आपको इनर डालना पड़ेगा प्रॉपर वे पे बट ये देखने में काफी सही है इसका नेट का मेटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है साइज देख सकते हो तो स्मॉल पर ऑर्डर किया था स्मॉल पे ही आया तो है इसके नीचे एक्चुअल में जो वेयर किया जाता है वो है आपका ड्रेस मतलब कोई भी स्लीवलेस ड्रेस बोलो या फिर जो होता है ना बिल्कुल सिंपल सा इनर बोल सकते हो इनर ड्रेस बोल सकते हो जो ड्रेस की तरह दिखने में होता है बट इनर होता है उस टाइप के मेरे पास होगा या नहीं मुझे देखना पड़ेगा ये जींस के ऊपर आप नहीं, नहीं पहन सकते ये ड्रेस है तो इसके नीचे आपको इनर ड्रेस ही पहनना पड़ेगा या फिर किसी और ड्रेस के साथ आप पहन सकते हो जिसका बिल्कुल प्लेन होगा ब्लैक कलर का होगा तो मैं देखूंगी मेरे पास अगर कुछ रिलेटेबल होगा तो मैं पहन के दिखाऊंगी बाकी चलो इसको पहन के आते हो सो देख सकते हो पहन के आ गई हूँ शी ड्रेस जो कि बहुत प्यारा लग रहा है देखने में देख सकते हो बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सा है नेट का है बहुत कंफर्टेबल है स्ट्रेचेबल भी है बहुत प्यारा है स्लीव्स देख सकते हो इतना दूर तक आ रहा है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है भाई बैक साइड भी देख लो काफी सुंदर लग रहा है इसका एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो है इसके नीचे का पोर्शन ये जो नीचे का पोर्शन है ना यहाँ पे एक ऐसा स्टीच है लग रहा है कि मैं पैर अगर ऐसे करूँगी फट जाएगा ये तो ये वाला पोर्शन मुझे अच्छा नहीं लगा ये मुझे लगा था कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होगा बट वो नहीं है बाकी तो देख सकते हो ओवरऑल ये ड्रेस काफी अच्छा है बट हाँ क्वालिटी के अकॉर्डिंग पहनने के बाद मुझे जैसा फील आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे चार सौ छह रुपए थोड़ा सा ज्यादा है बाकी आप बताओ आप लोगों को चार सौ छह रुपए में ये शीट ड्रेस कैसा लगा इसको आप लेना पसंद करोगे या फिर नहीं सो नेक्स्ट ओपन कर रही ये वाला पार्सल भाई काफी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस है देख सकते हो इसके पीछे ऐसे बांधना पड़ेगा और ये है बिल्कुल बैकलेस देख सकते हो मतलब बैक में इसका कुछ भी नहीं है तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक वी वाला बैक मिल जा रहा है आपको और ये भी ऑफ़ बॉडी कॉन ड्रेस है मेटेरियल बहुत सॉफ्ट है इसका भी मेटेरियल लिख रहा है और उसी के साथ इसके भी नीचे कोई इनर मेटेरियल नहीं है बट ये मेटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा थिक है देख सकते हो और ये वाला ना जब तक नहीं पहनूंगी आपको समझ नहीं आएगा इसलिए झटाफट साइज बोल देती हूँ साइज़ मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था और बिल्कुल स्मॉल ही आया है तो चलो पहन के आती हूँ और फिर भी मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बता सकती हूँ और इसका डिज़ाइन भी बता सकती हूँ so, ये ड्रेस बहुत ही सस्ता भी है बहुत ही कम्फी भी है टू सिक्सटी में मुझे ये ड्रेस मिल गया है जो कि है टोटली बैकलेस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है और बहुत 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 डिजाइन है, अच्छा है ये प्यारा बहुत है इसको जैकेट देके भी पहन सकते हो अगर आप लोगों को बैकलेस नहीं चाहिए तो टू सिक्सटी फाइव रुपीज में थोड़ी ना इतना प्यारा ड्रेस मिलेगा आप लोगों को तो लेके देख ही सकते हो एक बार मुझे तो बहुत प्यारा लगा इसका कम्फर्ट फिट सब कुछ टेन ऑन टेन है बाकी आप बताओ मैं इसमें कैसी लग रही है ओपन नेक्स्ट ये वाला ओपन करते हो ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा है टॉप आया है उसके पीछे का डिजाइन कितना ज्यादा बेहतरीन और कितना बड़ा सा ये रोप बोलो या फिर मारने वाला धागा बोलो जो भी बोलो कितना ज्यादा लेंथ है इसका और देख सकते तो बैक डिजाइन कितना क्यूट है मतलब बहुत बेहतरीन लुक आने वाला है इससे मुझे तो बहुत प्यारा लगा भाई ये और इसका भी मेटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है रहा है और ये बहुत थिक है और स्कर्ट देख लेते चलो कैसा आया है आय हाय हाय ये भी बहुत बेहतरीन है एक साइड में देख सकते हो ऐसे इलास्टिक मिल जा रहा है जिसमें ना बिल्कुल प्लीट्स वाला इफेक्ट मिल रहा है देख सकते हो और एक साइड में कुछ भी नहीं है ऐसे नॉर्मल सा है और यहाँ से मिल जा रहा है बेहतरीन सा काट भाई ये तो बिल्कुल सेक्सी वाला ड्रेस है किस किस को पसंद आया कमेंट में बताओ इसका भी मटेरियल लिख रहा है और कमर का इलास्टिक का स्ट्रेच भी काफ़ी सही है भाई और साइज ना स्मॉल पे ऑर्डर किया था और देखो बिल्कुल स्मॉल पे ही आया है बेहतरीन बात है ये तो, तो चलो जल्दी पहन के आती हूँ सो so फाइनली मैंने ये पहन लिया ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको लेने का बिल्कुल मैं सोचना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई मतलब इसके नीचे क्या पहनूं कंफ्यूज हो गई थी मैं मतलब इसके नीचे ब्रा पहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और देख सकते तो पूरा ड्रेस का लुक और मतलब जो स्कर्ट है ना स्कर्ट का कट थोड़ा सा ज़्यादा ही है भाई तो ये ड्रेस मैं खुद ही किप नहीं करने वाली हूँ एक साइड में तो बिल्कुल कवर्ड है देख के लगेगा बहुत अच्छा है एक साइड में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला है बट हाँ बैक साइड का डिज़ाइन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा जो आप लोगों मैं शेयर करना चाहती हूँ देखो कितना ज़्यादा प्यारा बैग डिज़ाइन मिल जा रहा है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका प्राइस है फोर हंड्रेड एंड टू रुपीज़ मतलब ऐसे तो वर्थ इट है भाई बट हाँ पहन के कहीं जा नहीं सकती तो लेके क्या फ़ायदा मतलब तो ये मैं पहन के नहीं जा सकती मेरी फैमिली मुझे हर चीज़ पहनने के लिए अलाउ कर सकते बट ये पहनने के लिए अलाउ वो भी नहीं करेंगे और मुझे खुद से ही नहीं आएगा कि ये पहन के मैं बाहर जाऊँ कैमरा में वीडियो ठीक है तो ये तो मैं बिल्कुल भी कीप नहीं करूंगी बाकी आप बताओ आप लोग कभी ये लेना चाहोगे या नहीं तो so नेक्स्ट ये वाला ओपन करते फिर से नया पैकेजिंग जिसमें ट्रांसपेरेंट है एक साइड प्यारा कलर है Ooh. ये तो बहुत ज्यादा क्यूट सा है वाव यार इसका देख सकते हो स्लीव्स की जगह पे मिल जा रहा है आपको बिल्कुल प्लास्टिक ब्रास स्ट्रैप जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है और उसके साथ ऐसे वाला स्लीव मिल जा रहा है जो कि यहाँ से रहेगा बिल्कुल पहनने के बाद आपको समझ आएगा नेट का मेटेरियल बिल्कुल टेन ऑन टेन है मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और फ्रॉन्ट डिजाइन देख सकते हो बिल्कुल वी गले का डिजाइन मिल जा रहा है वी बैक का डिजाइन मिल जा रहा है बिल्कुल वेलवेट का मिल जा रहा है पूरा ड्रेस जिसमें बिल्कुल ओवर और सिक्वेंस काम है देख लो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और पीछे से मिल जा रहा है इतना बड़ा सा नेट का कपड़ा जो कि बिल्कुल बिल्कुल फेरी टेल वाला देगा भाई मतलब बिल्कुल रानी आ रहा 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 है लग रहा है है लग लग कितना ज्यादा बेहतरीन जब तक मैं पहनूंगी समझ आपको भी नहीं आएगा मुझको भी नहीं आएगा और सामने से भी देख सकते हो नेट का डिजाइन जा रहा है तो चलो जल्दी पहन के आ जाती हूँ उससे पहले बताना चाहती हूँ इसका भी साइज स्मॉल आया है मैंने बिल्कुल स्मॉल ही ऑर्डर किया था तो चलो पहन के आती हूँ उसके बाद पूरा डिटेल शेयर भाई ये ड्रेस पहनने के वक्त मैंने नोटिस किया कि ये बिल्कुल खुला हुआ है सकते इसका जो मुँह था थोड़ा सा लगा हुआ था बिल्कुल खुला हुआ है तो अगर आपके पास भी ऐसा कपड़ा है तो देख के लेना क्योंकि मुझे ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा खुला हुआ तो ये बिल्कुल ही तो मैं यूज नहीं कर सकती तो मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं अभी वही इस्तेमाल करूँगी जो कि है ये देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग दिखने में है बट तो जो है उसी से काम चलाते हैं क्योंकि आप लोगों को ड्रेस दिखाना मेरा मेन इंटेंशन है सो so, देख सकते हो दोनों स्टैप ही मैंने खुद का ही लगा लिया क्योंकि ऐसा बहुत वियर्ड लग रहा था कि एक स्टैप अलग एक स्टैप और अलग मेरा स्टैप अच्छा क्वालिटी का है वो अलग बात है जो भी हो इस ड्रेस का फिट तो बिल्कुल सही नहीं आ रहा है मतलब तो बहुत ज़्यादा लूज है सही नहीं मतलब लूज है ये मतलब वेस्टर्न ड्रेस इतना लूज अच्छा नहीं लगता स्मॉल साइज काहे का, का स्मॉल साइज है पता नहीं बट ये वाला जो ये और हाईनेस वाला जो ये है ये वाला नेट का मटेरियल ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डिंग 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 डीन डी तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस वाला वाइब दे रहा है इसका स्लीव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बट फिटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जैसे कि लग रहा है कि अभी खुल के गिर जाएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत है बाकी देखने में तो काफ़ी क्यूट है और इस ड्रेस का प्राइस है फाइव नाइन्टी बट हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी इरीटेशन नहीं है चुभन नहीं है सीकुए है बट बहुत ही ज़्यादा कम्फी है तो ऑब्वियसली इसको लेके देख सकते हो नेक्स्ट ये ओपन कर रही हूँ ओ भाई ये क्या आया है भाई ये तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पहना जाए क्या आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्या है बट हाँ इसको ऐसे पहनना होगा यहाँ पे गले में ऐसे बांधना पड़ेगा सब कुछ तो ठीक है बट जब तक ना पहनूंगी ना आपको समझ आएगा पूरा ना ही मुझे समझ आएगा इसका मेटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये एक बॉडी कौन ड्रेस है देख सकते हो इसका मेटेरियल है लिकरा और इसमें भी कोई इनर मेटेरियल नहीं है बट ये मेटेरियल काफ़ी ज़्यादा ठीक है साइज मैंने स्मॉल पे ऑर्डर किया था और देख सकते हो साइज 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 नहीं लिखा है क्या यहाँ पे कोई भी साइज लिखा हुआ नहीं है बट मुझे देख के लग रहा है स्मॉल ही है बट चलो पहन के आती हूँ नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई ये ड्रेस क्या करना है, है ना तो चलो पहन के आते हैं सो so, पहन के आ गई हूँ मैं टड़ा तो इस ड्रेस के साथ आप कोई भी ब्रा नहीं पहन सकते हो इसके साथ सिर्फ पहन सकते हो निपल कवर एंड इस टाइप का ब्रालेट तो जो कि ब्लैक कलर का है बट ये तो ड्रेस का मतलब जो एक्चुअल में ड्रेस का जो डिज़ाइन है वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने ऐसे नहीं पहना है बाजू में देख लो मॉडल लेदी ने पहना है तो ऐसे आपको पहनना है तो ऐसे पहना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है बाकी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है इनसे बाकी मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है ये ड्रेस बट थोड़ा सा ज़्यादा ही ज़्यादा ही रिविलिंग है तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो ऐसे ड्रेस से तो आप लोग ऑब्वियसली पहन सकते हो क्योंकि ये बैकलेस है बहुत ज़्यादा प्यारा है बाकी अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है भाई वीडियो देखो लाइक करो और नेक्स्ट हॉल के लिए इंतजार करो बाकी इसका प्राइस है थ्री फोर्टी टू रुपीज तो आप लोग बताओ थ्री फोर्टी टू रुपीज ये ड्रेस आप कभी लोगे या नहीं मैं तो शायद ले भी सकती हूँ पता नहीं बाकी आप बताओ तो नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ ये वाला ये तो वो स्क्रॉच वाइट वाला मेटेरियल है भाई ओ भाई ये क्या है ये मुझे मीशो से मिला है <laughs> मतलब देख सकते हो ये एक्सपेक्टेशन से बाहर आया बिल्कुल बैक लेस सब कुछ लेस सिर्फ आपका फ्रंट पोर्शन कवर रहेगा बाकी देख सकते हो पूरा सेक्सी एक आउटफिट है ये बिल्कुल तो पता नहीं है पहनने के बाद मैं कैसी दिखूंगी बट आउटफिट तो काफी क्लासी है मानना पड़ेगा और इसके साथ आया है देख सकते हो ये स्कर्ट जो कि बहुत ही छोटू सा है बट कमर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चौड़ा है पता नहीं फिट आएगा या नहीं साइज तो बिल्कुल स्मॉल ही आया है जो कि आना चाहिए था बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मटेरियल बट मैंने मुझे लगा था कि वो स्क्रॉच वर्ट जैसा होगा जो रफ़ मटेरियल होता है बट ये रफ़ नहीं है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बट देखने में उस टाइप का ही है और इसके साइड में मिल जा रहा है ऐसे जीप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे काफ़ी क्लासी लग रहा है पहनने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ तो चलो पहन के आती हूँ तो so, ये ड्रेस मुझे मिला है टू थर्टी फाइव रुपीज़ में मतलब मैं सच में बिलीव नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम्फर्टेबल है बहुत ही प्यारा है इसका मेटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मुझे पहले बोला था मैंने पता है मुझे स्क्रॉच बाइट इसीलिए शायद बोलते हैं डोंट जज अब बुक बाई इट्स कवर ये सच में बहुत ज़्यादा कम्फी है इसका मेटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी देख सकते हो इसका यहाँ से एक कट मिल जा रहा है मतलब पूरा ही कट ही है इधर उधर से

प्राइस है टू थर्टी फाइव जो कि बहुत सस्ता है बाकी आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ तो नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ ये वाला पार्सल काफी अलग और काफी यूनिक सा देख सकते हो बिल्कुल वेलवेट का एक ड्रेस है देख सकते हो ऐसे स्लीव मिल जा रहा है साइड से ऐसे स्लीव मिल जा रहा है उसके साथ ये वाला मिल जा रहा है झुरी 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 जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लगता है मुझे मैंने पहले ही बताया आपको और पूरे बॉडी में सिक्वेंस से कवर्ड काम देख सकते हो यार पूरा बॉडी वेलवेट का है उसी के साथ नीचे भी देख सकते हो इस टाइप का मिल जा रहा है जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है इसके नीचे मेटेरियल है जैसे कि आपको ताकि मतलब होता है ना चुभन ना हो सिक्वेंस है और इसका साइज मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था साइज बिल्कुल स्मॉल आया आपको ड्रेस कैसा लगा कॉमेंट में बताओ तब तक मैं पहन के आ जाती so, पहन के आगे वो झिंगा लाला झूरी झूरी ड्रेस देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है फिटिंग का थोड़ा सा इशू है थोड़ा सा लूज आ रहा है मुझको तो स्मॉल साइज़ भी मुझे आजकल फिट करना पड़ रहा है और उसी के साथ इसका स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ये जो झूरी झूठी निकला है ना ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है बट इस साइड में ना कुछ झूठी स्टिच कर दिया है इसलिए खुल नहीं रहा है तो इसको खोलना पड़ेगा कैसे खोलूँगी पता नहीं ये बाकी तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और मतलब कोई अनकम्फर्टेबल चीज़ नहीं है कोई चुभन नहीं हो रहा है इतना सारा शीख हुए ना बट कोई भी चुभन नहीं हो रहा है और पैर तो देखो थोड़ा सा कि कितना सेक्सी है और ये झूरी वाला इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका नाम दे दिया मैंने झूरी झूठी झूरी झूरी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बता रहा मतलब ये है कि ऊट और इसका लेंथ काफ़ी लॉन्ग है देख सकते हो ड्रेस का मतलब एक साइड का ऑब्वियसली एक साइड का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है एक साइड का उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट है बट हाँ नेगेटिव कॉमेंट करने वालों की वेंटलिटी से तो ज़्यादा ही लॉन्ग है बाकी इसका प्राइस क्या है इसका प्राइस है फाइव तो बताओ आप लोग फाइव में आप लोग को ये वर्थ इट लग रहा है या नहीं सो so, कैसा लगा आज का वीडियो बिल्कुल बेहतरीन ना तो ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हॉल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना सारा आउटफिट मैंने आज की वीडियो में शेयर किया है सबका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना और मिलती हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग कॉमेंट में बताओ कि आप लोग आगे कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे सो लव यू ऑल टाटा बाय